हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में जैसे कि आपने देखा था कि हम यात्रा कर रही थी 17322 जसीडी गोवा एक्सप्रेस में, और पार्ट वन था उसका। आज हम पार्ट टू देखेंगे, लेकिन पार्ट वन थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमारी यात्रा बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो गई थी। खाते पीते हुए हम यात्रा कर रहे थे, व्यू को देखते हुए हम यात्रा कर रहे थे, लेकिन भाई किन्नरों ने हमें उस पार्ट में बहुत ही ज़्यादा परेशान किया होगा। जिन लोगों ने पार्ट वन देखा होगा उनको याद होगा कि किस तरह से उधम मचाया है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज़ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, पार्ट वन देख लो, उसके बाद पार्ट टू देखने में आपको मजा आएगा। तो लीजिए, अभी हम दुर्ग में पहुंच चुके हैं, अब हमारी आगे की यात्रा यहां से स्टार्ट होगी, पार्ट टू। खाता हूं, रोज खाता हूं, चना बेच के जीता हूं, 5 बीवी 12 साली और 10 बच्चे का पेट भरता हूं। देख लो भाई क्या दिन आ गए भाई, हमारी ट्रेन वो खड़ी रही और इसको ओवरटेक बनवा दिया गया। भाई ट्रेन चल जाएगी, हट जा। एक और ओवरटेक पड़ने जा रहा है, हमारी गाड़ी को देखिए। इनका जब चलान कटा था, आपने डबल चलान क्यों काटा इसका बता सकते हो आप? किसका है? इसके 3 चलान कटे थे ना पहले से। तो दोस्तों, 938 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया हमारी इस ट्रेन ने और पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। DURG इसका स्टेशन कोड है दुर्ग का। एंड देखिए भाई, जैसे मैं नीचे उतरा वैसे ट्रेन चल पड़ी, क्योंकि ट्रेन अभी 3.5 घंटा की देरी से चल रही है। बाकी यहाँ पे देखो क्या भाई, वेंडर्स की भीड़ है एकदम। कोई सेब बेच रहा है, कोई केला बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। और देखिए अपनी गाड़ी खड़ी थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे भाई, दुर्ग जंक्शन पे। देखिए देखिए भाई, दुर्ग जंक्शन से डिपार्चर अपने ट्रेन का भाई, देखिए। और दुर्ग में एक बंदा आया था हमें इडली डोसा देने के लिए, बंदा तो नहीं आया लेकिन उसने किसी और बंदे को भेज दिया भाई। अगर बंदा वीडियो देख रहे हैं तो भाई ये सही नहीं किया भाई, सिर्फ वो इडली डोसा भेज लिया भाई, इसलिए मतलब सही नहीं लगता यार। उसको बुलाया था मैंने बंदे को, लेकिन बंदा नहीं आया। नहीं, बाकी ये आ गया हमारा भाई इडली डोसा, जो कि सुबोध भाई ने भेजा है भाई। ये आ गया हमारा इडली और नारियल की चटनी, एकदम घर की भाई, टेस्टी है यार। ये भाई अपनी ट्रेन पार कर रही है शिवनाथ नदी को, जिसके किनारे पे अपना दुर्ग शहर बसा हुआ है भाई। देखिए शिवनाथ नदी, वहाँ पे डैम बांध दिया गया है जिसकी वजह से पानी का फ्लो है वो कम कर दिया। यही शिवनाथ है जो बिलासपुर से निकलती है भाई, बहुत बड़ी नदी है भाई छत्तीसगढ़ की। हाल के मेरे को खराब नहीं करना, आदमी उबल जा रहा है यहाँ गर्मी में, कितना खराब कर रहा है टमाटर। कितने साल से बेच रहे हो चने? मैं 9 साल की उम्र से बेच रहा हूँ चने। हाँ, 2 रुपए प्लेट से बेचते हुए आज 20 रुपए प्लेट में बेच रहा हूँ। ओ भाई साहब, तो नया डायलॉग सुना दो। नया डायलॉग रहता तो मैं यहाँ नहीं रहता, अभी सीरियल में भर्ती रहता। कहाँ? महाराष्ट्र से हो? हाँ, जय छत्तीसगढ़ जय महाराष्ट्र। तो ये देखिए भाई, हमें मिले चना बेचने वाले भैया। बोलो भाई, हम चना बेचने वाले भाई, दिल से बेचते भाई, 20 रुपए प्लेट सरकारी रेट। डोली की टपरा को जानते हो? डोली का टपरा जानता हूँ मेरे भाई, नागपुर शहर में रहता है वो डोली भाई। हाँ, अपना भाई है वो। जय महाराष्ट्र जय छत्तीसगढ़। चलो भैया, जिसके पास पैसा नहीं है तो इधर राशन कार्ड आधार कार्ड जमा करो, 6 महीने की उधारी में खाओ। ओ भाई साहब, चलो भैया 20 का खाओ, 200 का खून बनाओ, अभी खाओ, अभी खून तैयार। मेरे बात में भरोसा नहीं है तो चना खाने के बाद हाथ काट के देखना, खून निकलता है या पानी, समझ आ जाएगा। कलाकार नहीं हूँ, छोटा सा मामूली इंसान हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, चना बेच के जीता हूँ, 5 बीवी 12 साली और 10 बच्चे का पेट भरता हूँ। भैया घोड़े का दाना, मर्दों का खाना, मुँह से चबाना। मेरे भाई जो मेरे को बेचने जाएगा, पैसा फेंकूंगा, तमाशा देखूंगा, ऐसा वाला रोल है भाई। और अभी हम खा रहे हैं भाई खाना, खाना हमने लिया भाई पैंट्री से। देखिए अभी तक पैंट्री में बैठे हैं, एंड पैंट्री वालों ने बोल दिया था कि हम आपको छोक वगैरह लगा के दाल को दे देंगे बढ़िया से खाना, बाकी इन्होंने दे दिया। लेकिन एक बड़ी बुरी बात की, इन्होंने हमें चावल ही दे दिए हैं, मतलब कोई भी रोटी नहीं दी है। दही है, एक एक दही का पैकेट थमा दिया है, बाकी ये पूरी खाना है जिसमें एक दाल है और एक मिक्स वेज है, एंड ये चावल है। मालगाड़ी को इतनी प्रायोरिटी साली, देख लो भाई क्या दिन आ गए भाई, हमारी ट्रेन वो खड़ी रही और इसको ओवरटेक बनवा दिया गया। और मैंने इनसे पूछा ना, जो ओवरटेक करवा रहे हैं कहते पैसा किस में आ रहा है, इसमें या उसमें। देख लो भाई,
पैसा इसमें ज्यादा है साला, रेलवे क्या कहती इसको निकालो पहले, उसको रहने दो साली को, है? जिसमें ज्यादा पैसा उसको निकालेगा। अच्छा ये फैक्ट्री वाले इंतजार कर रहे होंगे ना इसका, अब उसको कब निकालेंगे, लास्ट में इसके पीछे पीछे। ओ भाई पीछे भी लोकोमोटिव देखो, भाई साहब देख लिया ना भाई हमने मालगाड़ी को कितनी प्रायोरिटी दी जा रही है इस रूट पे। और मैंने तो पहली बार देखा भाई किसी सुपरफास्ट गाड़ी को एक मालगाड़ी द्वारा ओवरटेक करवाया जाएगा, और वो मालगाड़ी बुकिंग वाली थी भाई, पैसों वाली गाड़ी थी। तो आजकल भाई पैसे की इज्जत है, ये बेचारे भाइयों की कोई इज्जत नहीं है। क्यों भाई बैठे रहो भाई, आपको कोई सुनवाई नहीं है यार। एक और ओवरटेक पड़ने जा रहा है हमारी गाड़ी को, देखिए हर काम भाई पेंट्री में हो रहा है, और व्यू देखो बाहर का भाई। तो चलो पी लेते हैं चाय, उसके बाद सीधा भी मिलते हैं आपको बलहारशाह में। और देखिए ये खड़ी है अभी महाराष्ट्र में कहीं बलहारशाह के आसपास, और देखिए भाई यात्री इतने ज़्यादा गर्मी लग रही है यात्रियों को। ये तालाब के किनारे रुकी थी एंड ये भाई देखिए स्नान कर रहे हैं भाई गर्मी से राहत पाने के लिए, भाई अपने तालाब में नहा के भी आ गए भाई। और काफ़ी लेट हो चुकी है, 7-8 घंटा लेट हो चुकी है ये ट्रेन, जिससे यात्री परेशान होकर अपना समय व्यतीत करने के लिए बाहर आ गए भाई। तो भाई अभी अपनी ट्रेन बलहारशाह भी नहीं पहुंची, और देखिए भीड़ सारी की सारी, जो भीड़ थी ना ट्रेन की वो सारी नीचे आ चुकी है। ये देखिए भाई, भाई ये देखो भाई कैसे सेल्फी खिंचा रहा है भाई, क्या तरीका है भाई का, क्या जमाना आ चुका है भाई। देखो अपने कैसे सेल्फी खिंचा रहे हैं चलते इंजन के आगे, देखो भाई का स्टाइल ही अलग है, देखो कैसे सेल्फी खिंचा रहे हैं भाई, पावर ऑन है और भाई अपना सेल्फी खिंचा रहा है, देखो तो खिंचा रहे हैं भाई, देखो वाह भाई वाह भाई, ट्रेन चल जाएगी, हट जा पीछे हट जा भाई। देख लो एक बार कितना ज्यादा अंधेरा हो चुका है, टाइम हो चुका है भाई 7:30, और यहाँ पे बैठे थे हम 5:20 पे, 2 घंटे हो गए भाई इस गाड़ी की वजह से हमारी जो ट्रेन है वो आगे नहीं जा पा रही थी। और ये जो ट्रेन है ये निकली लोकल ट्रेन, जिसकी वजह से इस गाड़ी को 2 घंटे, पहले 5 घंटे लेट थी अब 7 घंटे लेट हो गई, और ये आई चू 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 करती हुई, देखो ट्रेन देखो भाई इसकी वजह से इस ट्रेन को रोका गया। आपको दिखाते हैं कि पेंट्री में देखिए किस तरह से चावल परोसे जाते हैं जो भी यात्री होते हैं ना उनको, ये देखिए छोटी छोटी बॉल्स में चावल डाल रहे हैं भैया, डालिए ये देखिए भाई इस तरह से चावल डाले जाते हैं और इस तरह से चावल परोसे जाते हैं यात्रियों को, देखिए
और खाने वाले खाना कौन से रेस्टोरेंट से भाई पता कौन से किया था यार मिलेगी क्या? हाँ भाई जरूर यार। क्या हुआ भाई? ओ ब्रो भाई। तो दोस्तों समय हो रहा है रात के 9:19 और 1323 किलोमीटर की दूरी इस अपनी बैलगाड़ी एक्सप्रेस ने कवर कर ली है भाई और पहुंच चुके अपने 17वें हॉल्ट पे जो अपना महाराष्ट्र का बल्हारशाह। और स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र में भाई। गोंदिया आया था लेकिन भाई कवर नहीं इतने मतलब इतनी कवर नहीं किया उसको। बाकी किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को उल्टी आ रही है, किसी का सर चकरा रहा है। इस ट्रेन की वजह से इतनी बेकार, इतनी मतलब इतनी घिसी पिटी ट्रेन है, इतनी बेकार ट्रेन है, मैं क्या बताऊं भाई। तुम किस्सा बताओ जिस जब इस ट्रेन को एक मेमू ट्रेन के लिए 2 घंटे के लिए बैठा दिया। बताओ गर्मी कितनी अंदर है? बहुत बुरी हालत है। तो आप पहली बार आए इससे? हाँ मैं पहली बार। तो कंडीशन क्या है आपकी, क्या कहना? बुरा हाल है। आओगे फिर से इस ट्रेन में? भाई बहुत बेकार ट्रेन है, कसम से। प्रियोरिटी नाम का तुम वर्ड ही नहीं इसको पता। माल गाड़ी के लिए बैठा दे रहा है। हाँ माल गाड़ी को आगे निकाल रहा है। फॉग हो गया अपनी ट्रेन का बल्हारशाह से। ठीक है भाई अभी बल्हारशाह का स्टेशन कोड था BPQ8 प्लेटफॉर्म। 5 प्लेटफॉर्म थे यहाँ पे और काफी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन था अपना बल्हारशाह। और बल्हारशाह देखिए निकलती हुई अपनी जसेड़ी गोवा एक्सप्रेस। तोड़ो बर्फ तोड़ो, सारी तोड़ोगे क्या? नहीं, आधा आधा डालेंगे ना। तो भाई ये आ गया हमारा खाना जो कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था 120। ओ भाई पैर मत रख। 120 रुपए का ये पूरा खाना है भाई हमारा। ये चार है एंड ये सैलेड है। तो ये आ गया इनका मिक्स वेज। नमक ज़्यादा है पर एवरेज है। ये आ गया इनकी दाल, दाल भी ठीक ठाक है भाई। एंड ये सैलेड है, खीरा है और गाजर है। तो ओवरऑल खाने की रेटिंग की बात करें तो उसमें से 5 दे दूंगा भाई। क्या कह रहे हो? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा तीसरा दिन है भाई जसीड़ी गोवा एक्सप्रेस में। और सुबह सुबह क्या हो गया भाई, दोस्त के देखे जूते ही खो गए भाई। और अभी ट्रेन 8 घंटा लेट चल रही है, सिकंदराबाद पहुंच मतलब पार कर गई थी सुबह ही है ना। हैं आप सोए थे यहाँ? ये सोए थे यहाँ पे नीचे। जूते कहाँ फेंके थे? तो भाई जूते गायब हो गए सुबह सुबह, देख लो भाई। इतनी भीड़ थी सिकंदराबाद में, लगभग 30% भीड़ खाली हुई है। 70% भीड़ अभी भी देख लो भाई ट्रेन में ही है, देख लो। चलती ट्रेन से उतर रही है, चलती गिर मत जाना नीचे, गिर मत जाना। कितना पैसा ले गई? 500 रुपया लिया। 500 ले गई? अब 500 ले गई यार बंदे का, अब 500 रुपया ले गई इधर आप भाई। 500 रुपया ले गई यार बंदे से यार। अरे दे रहा बोल के ले गया साला। भाई ये क्या तरीका हुआ यार, बताइए। 100 रुपया दे रहे थे, 50 रुपया दे रहे थे तो नहीं ले बोलता 100 रुपया। भाई 500 रुपया लेके उतर गई यार बंदे से यार। थप्पड़ मारा आपको? 10-20 रुपया देने से। 500 गई? पक्का? पैसे 150 रुपया बचा है। 150 रुपया बचा है, 15-17 खत्म हो गया। चल पुलिस वाले के पास चल। सो भाई भाई बंदे से 500 रुपया ले गई ये, अब देखते हैं पुलिस वाला क्या बोलता है। सर किन्नर इससे 500 रुपया लेके भाग गई। किन्नर 500 रुपया लेके भाग गई, शर्याम भाग गई। 50 रुपया दे रहा था तो उसने 50 रुपया। गरीब बंदा थप्पड़ नहीं खाएगा ये। आउटर में उतरी वापस इधर से जाएगा। चल 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 भाई, गंतकल में रुकी है ट्रेन ऐसे। भाई बताओ इनको सर
₹500 लेके किन्नर भाग गई सर इनकी। जब 20 रुपया दे रहा था तो 20 रुपया में सफर मांगे तो 20 रुपया में होगा 100 रुपया का ये बात रहा था उसको प्लेटफॉर्म में आउटर है ना आउटर गंती कर का वहाँ उतर के बात इतनी मोटी मोटी किन्नर में तो आप मार पीट रही है यार मारना क्या है वो आती है ऐसे लूटती है 5-6 होती है इनको ऐसे उठा उठा के छीन के भाग जाती है। सो भाई अब इस बंदे को 200-300 रुपये हम खुद से देंगे खाना वाना खिलाएंगे हम। तो ये बंदे से 500 रुपए कैसे लिया आपने क्या बोला उनको? हम मेरा 20 रुपए था हम उसको दे रहे थे 20 रुपया है बोलता नहीं 100 रुपया नहीं का तो हम बोला मैम 500 रुपया है चिल्लर दीजिएगा तो देंगे 500 रुपया। हाँ अरे दे रहा बोलता है और लिया और भाग गया बस ऐसे। भाई देखो बंदे की हालत देखो यार और पुलिस वाले के पास गए पुलिस वाला बोलता हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा तो दोस्तों जसीडी से लगभग 2121 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी इस ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 23वें ऑफिशियल हॉल्ट पे जो अपना गंतकल जंक्शन और गंतकल में हमारी ट्रेन का होगा और लोको रैक रिवर्सल और यहाँ पे ये ट्रेन लगभग 7 घंटे और 33 मिनट की है। बाकी जो ट्रेन है पहले ये ऐसे चल रही थी अब ये ट्रेन ऐसे जाएगी। कितने का प्लेट है? 60 रुपये 4 पीस 4 पीस दे दो। तो लीजिए भाई हेल्प कर रहे हैं भैया की और निकल चुकी है अपनी ट्रेन गंतकल से और गंतकल से ये ले लिया बड़ा जो कि 60 रुपये के पड़े हैं भाई 4 पीस देखो। लो भाई बाय बाय गंतकल। ओए होए होए भाई क्या नज़ारा है देखो पहले हमारी ट्रेन के साथ लगा था इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव लग गया भाई डीजल लोकोमोटिव देखिए गंतकल से निकलने के बाद देखिए ये ईमानदारी भाई बंदे की यार वो 500 लिया और चलती ट्रेन से कूद गया। अब बताओ वो है ना वो सिकंदराबाद बलारसा के बीच में होता है सिकंदराबाद और हाजीपेट के बीच में होता है। सुबह ये आ गया हमारा दोपहर का खाना जो कि लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी समझ लो क्योंकि ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का सुबह कर लिया था एंड ये खाना कुछ स्पेशल ही आया हमारे लिए पूरी वगैरह आई है 1, 2, 3, 4 पूरी आई है एंड ये आया हमारा मिक्स वेज और ये आई है दाल। ठीक है तो अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसा है ये। तो ये दाल ट्राई कर लेते हैं एकदम भाई छोक लगा के एकदम तड़का लगा के बढ़िया से दाल है भाई लग ही नहीं रहा कि ट्रेन की दाल खा रहे हैं भाई एंड ये आ गई इनकी मिक्स वेज एकदम भाई एक नंबर है। मैंने पूरी आ गई गरम गरम पूरी भाई देखिए ओवरऑल खाना बहुत ही बढ़िया भाई रेटिंग भाई 10 में से 8 यार बहुत ज़्यादा प्रीमियम खाना है भाई। सो भाई लगभग 2,350 किलोमीटर की दूरी अभी तक ट्रेन ने तय की है और पहुंच चुकी थी हुबली और भाई मेरी लग गई थी थोड़ी सी आंख बाकी देखिए हुबली से डिपार्चर अपनी ट्रेन का और भाई सोचा था हुबली कवर करेंगे लेकिन भाई इतना बोर हो गए ना कसम से मन कर रहा है यार छोड़ देते इसको इतनी बेकार ट्रेन है इतनी बेकार है हमने सोचा कवर करेगी। देखिए हुबली से निकलती हुई अपनी ट्रेन भाई देखिए अब भाई मूड ऑफ है तो अब सीधा आपको थोड़े से सनसेट के शॉट्स दिखाएंगे और सीधा आपको गोवा में मिलेंगे। वो कहाँ आपका साथी वो काटा 50 हुआ मेरे पास सुन पहला तेरे पास मैं 50 काटी है हम तो पैसा इतना ही है मेरे पास सुन पहला तो पैसा काटा तुम्हारा कितना काटा ये था अरे वो मैं ले रहे क्या कितना दिया मेरे पास मैं लिया क्या तेरे 50 बोल रहा तेरा 50 रहे को देख प्यार से 100 रुपए मेरे पास सुन प्यार से 100-100 रुपए 200-200 रुपए लेको आए भाई तेरी को कैसे बात कर को आई में अच्छे से दिया क्या अरे ने काटे वो दूसरे वाले ने काटे बुलाओ 50 रुपए क्यों लिया ओ भैया ओ आमा तो समझ पाओ मैं उसको चेन दिया भाई तुम असली किन्नर हो ना हम तो असली है ना असली किन्नर छो ना तो 50 रुपए क्यों ले रहे हो गरीब से 50 रुपए क्यों लिए गरीब से 50 रुपए क्यों लिए गरीब से 500 रुपया तुम्हारे आदमी लेके गए सुबह सुबह 50 500 कंट्रोल रूम में फोन करो कंट्रोल रूम में फोन कर।
हमारे पास लिया था ना हमने तो उसके पास झगड़ा किया क्या? तुमने झगड़ा नहीं किया भैया, 50 रुपए गरीब से वो काम करने जा रहा है यार, वो काम 10 रुपए लो चलता है ठीक है, तुम साला 50 रुपए 40 रुपए वापिस करो। ऐसा बोलेगा होता नहीं, 500 रुपया आपका बंदा 500 रुपया लेके गया। बोले तो मैं उधर देखो आती थी 500 रुपया लेके गया। भाई देख लिया ना आपने क्या सिस्टम है यार इनका, ये किन्नर है, इतने बदमाश है, अभी पकड़ ली थी मैंने वो। तो अभी चल रही है शाम की चाय भाई, स्पेशल चाय बना दी भाई पेंट्री वालों ने यार। 50 रुपए लेके गई थी हाँ, पैसे मिले ना वापिस? भाई देखो ऐसे गरीब लोगों की, ऐसे गरीब लोगों को नहीं देखती भाई किन्नर देखो। और इसके लिए मुझे ट्रेन, इनके लिए मुझे, भाई मेरी बात सुन, इनके लिए मुझे किन्नर नीचे फेंकनी पड़ती ना, फेंक देता भाई। बेचारा रो रहा है देखो, ये ऐसे लोगों के पैसे लेके चली गई यार। अरे हवा आने दो भाई, उठाओ यार उसको, उठ जा भाई, मिर्गी का दौरा पड़ गया उसको। अरे कहाँ जा रहा है ये, अरे पकड़ के रखो यार उसको, नीचे मत जा। बंदे को पड़ गया मिर्गी का दौरा, देखो कब से पड़ा इसको, अभी 5 मिनट, 5 मिनट हो गए इसको पड़े हुए मिर्गी का दौरा भाई, देखो लगा दिया गया, देखिए भाई, शेम ऑन इंडियन रेलवे, मतलब कि बंदों के चलान काटने के बावजूद भी दूसरी बार डीडी पैसे ले रहे हैं भाई। अगर ये वीडियो रेल मंत्री देख रहा है तो भाई कुछ शर्म कर लो, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है ना ट्रेनों में, ये गरीब यात्रियों से देखिए, ये लेबर लोगों को पैसे लूटा जा रहा है। अभी आपको बताते हैं, ये देखिए ये बंदे ने चलान कटवाया, तीन बंदों का चलान कटवाया इसने, कौन से स्टेशन से, हटिया से, ये देखिए HTE हटिया का स्टेशन कोड है, कलेक्टेड एड हटिया, मतलब हटिया में पकड़ा गया। और देखिए MAD मडगांव तक इसने चलान कटवाया 1000 रुपये का, ठीक है 3000 का सॉरी, ये देखिए 3090 रुपये दिए आपने हटिया में। और अभी ये पहुंचा मतलब कर्नाटका में, और कर्नाटका में इसको फिर DD बोलता कि अपना आधार कार्ड दिखाओ, बोला ना आधार कार्ड दिखाओ। तो भाई अगर ये चालान काट लिया तो तुम्हारा आधार कार्ड फोन में था ना? जी हाँ फोन में है, फोन में है। ये लेबर बंदे हैं ये बेचारे, फिर इसका 1000 रुपया लेके चला गया, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है वो 1000 रुपया लेके चला गया? नहीं है, इसका प्रूफ भी कोई नहीं है भाई, ये तुमसे भी पैसे लिए। आ जा नीचे, इनका डबल चालान क्यों काटा आपने? किसका? इसका बंदे का। कहाँ हो, तीन चालान कहाँ तुम्हारे? इनका जब चलान कटा था आपने डबल चलान क्यों काटा इसका बता सकते हो आप? किसका है? इसके तीन चलान कटे थे ना पहले से ही, 1 2 3 हाँ बराबर। तो आपने ये किसका चलान काटा? और एक आदमी था ना, चार नाम, चार आदमी नहीं सर, तीन आदमी। हम बताए कि मेरा नहीं है भाई साहब, चार आदमी आप नहीं, चार आदमी नहीं, हम लोग तीन को हैं। दिखा था, चलो चलो दिखाते हैं सर, चलो आइए आइए, चलो चलो टिकट में तीन है, चलो दिखाओ, आइए आइए, चलो चलो सर हम लोग का टिकट पहले दे दो, दिखाओ कहाँ तीन चार बंदे, नहीं चार वहाँ पे एक बंदा था, कहाँ बंदा? नाम क्या लिखा है उसपे चलान पे, नाम क्या? दलवंत। दलवंत साहब एक मिनट रुक रहे हैं, इधर बैठे थे ना दो आदमी, हम लोग साथ तुलक कोई नहीं है, कोई नहीं है सर, हम लोग साथ कोई, हम लोग सिर्फ तीन कोई। तुझे भी क्या है रे, तुझे लिए ना, हाँ पैसा मेरे से लिया है सर, हाँ 1300 रुपए तू दिए ना, ये तीन पहले कटे हैं ना सर, ये चला ये हटिया से कटे हैं तीन, इसका नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन मीन, देखिए ये देखो आर्यन दिखा, नाम तिरकी रोहित टोपो आर्यन मीन, कोई का नाम है, कोई ऐड नहीं है, इधर बैठे था वो किधर, तो सर ये इनसे किसी के पैसे लिए,
ये चार हाथ में है भाई साहब। तो भाई इसका नाम लिखा है ना, इसका नाम लिखा है ये। आप बोले कि आधार कार्ड नहीं लाए हैं इसीलिए पैसा ले रहे हैं। चार आदमी है, एक आदमी का आधार कार्ड लेके बोला इसका लिखा हुआ है इसका आधार कार्ड लेके बोला। अच्छा सुनिए ठीक है, अभी इसने पैसे दिए ना, इसने पैसे दिए ना आपको, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। आजा भाई आजा, हाँ आजा आजा। कौन सा कोर्स में बैठा था हम लोग का? वो कोई भी कोर्स में वो घुस के नहीं, नहीं कौन सा सीट में बैठा था उधर पेनाल्टी वाला या सा वाला? नहीं कौन सा सीट में बैठा था? कोई भी बैठ गया हो, कोई भी उधर S2 में 55 56 में आपका टिकट दे के नहीं देखा जी? नहीं दिए हैं सर। देख रहे देख रहे उधर पूरा जा भी जा देख के आए देख बहुत लोग पकड़ते हैं नहीं जाओ तुम्हारा टिकट मेरे पास है जी, दिया ना रही उधर नहीं दिया। ये बेचारे लेबर क्लास के लोग होते हैं, इनको नॉलेज नहीं होती है। मिल गया ना पैसे? थैंक यू। ये अपने दोस्त थे, एक दो, दूसरा ये है, दो और तीन, तीनों के पैसे मिल गए वापिस, और इनसे अवैध पैसे लिए गए थे ठीक है। और लास्ट में टीटी ने क्या एक्सक्यूज बनाया कि चार बंदे थे ठीक है, पैसे इससे लिए, पैसे इससे लिए, और चलान भी इसने पहले का कटवाया था, फिर भी इससे 1000 रुपया एक्स्ट्रा लेके भाग गया था। और जब उसको पता चला कि वीडियो बन रही है तो वो तुरंत नकली चलान लेके आ गया 1000 रुपए के बना के ठीक है। बाकी भाई को पैसे वापिस मिल गए भाई। और इस तरह के स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं गाड़ियों में, तो प्लीज जो भी लोग सफर करते हैं थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें ठीक है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो 139 पे कॉल करके कंप्लेन करें। क्यों भाई? ठीक है भाई को पैसे मिलिए। और भैया बहुत अच्छा है, भैया का चैनल का थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। हाँ थैंक यू भाई। ठीक सुनो भाई, अभी चल रहा है रात का डिनर, एंड भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई स्पेशल खाना खिलाने के लिए। भाई नाम क्या था आपका? शिवम। शिवम भाई थे अपने पेंट्री मैनेजर है ये, एंड काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही इन्होंने पूरा भाई। मतलब ये नहीं है कि स्टाफ के साथ कुछ बदतमीजी कर रहे हैं या पैसेंजर के साथ कुछ बदतमीजी, एकदम बढ़िया मतलब सर्विस है इनकी, एकदम जेन्युइन प्राइस में खाना बेचते हैं ये, एंड हमें भाई बहुत अच्छे से इन्होंने खाना सर्व किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई स्पेशल भाई का एंड इनके पूरे के पूरे स्टाफ का। तो अभी हमारा रात का चल रहा है डिनर, और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है मड़गांव, और हमारी जर्नी भी खत्म होने वाली है। हो तो मतलब दोपहर को ही जाती 2:40 पे, लेकिन ट्रेन 8-9 घंटा लेट हो गई जिसकी वजह से हम भी लेट गए। ठीक है भाई, थैंक यू अगेन, बहुत बढ़िया बंदा, नाइस टू मीट यू ब्रो। सो भाई ये देखो भाई, इन्होंने लस्सी भी दे दी भाई स्पेशल, देखिए चीनी डाल के। सो ये छोटू मिला भाई ट्रेन में, क्या नाम है छोटू? अभी भाई द्वाज। हाँ भाई जा रहा है गोवा घूमने के लिए, कैसा लगा सफर? अच्छा लगा। अच्छा खाना पीना खाया ना बढ़िया? खा लिया। हाँ तो भाई मिला, काफी अच्छा लगा इनसे मिल के। रो रही है क्या? बाय 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 भैया। चलो भाई निकल गई अपनी ट्रेन, बाय बाय गार्ड सर, बाय बाय। लो भाई दी एंड। सो फिलहाल दोस्तों 2531 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी हमारी जसीडी गोवा एक्सप्रेस ने, और पहुंच चुकी थी अपने लास्ट ऑफिशियल हॉल्ट पे जो है अपना मड़गांव, और मड़गांव को ही एक्चुअल में गोवा बोलते हैं। बाकी बास्को डी गामा जाती है जो कि पूरा एंड था, लेकिन हम वहां तक गए नहीं क्योंकि हम मड़गांव में रुकेंगे। मड़गांव अच्छी सिटी है घूमने के लिए, बढ़िया जगह अपनी मड़गांव। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने देख लिया भाई कैसे लेबर क्लास लोगों को लूटा जाता है, कैसे गरीब लोगों की को मारा जाता है, कैसे उनसे पैसे छीने जाते हैं, कैसे टीटी उनको एक एक बार फाइन काट के दूसरी बार कैसे फाइन करते हैं। तो सच में यार रियली बहुत ज़्यादा हर्टफुल जर्नी थी ये, मतलब किस तरह से लोगों ने क्या क्या किया भाई, दुख हुआ जान के। लेकिन हमसे जो भी हुआ हमने किया, सारे लेबर के पैसे वापस दिलाए, जो भी किन्नर लोग लेके भागी थे उनके पैसे वापस दिलाए ठीक है। तो खाने पीने में आपने देख लिया पेंट्री वाला स्टाफ काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा था, उन्होंने बढ़िया से हमें खाना वाना दिया। तो करते हैं इस सफ़र को यही पे एंड। आज का सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मिलेगी आपको एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।